नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने साइट के लिए बैकलिंक कैसे बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपने ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरे इस साइट में आ जाना है, ठीक है। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो ये पोस्ट है, सॉरी ये देखिए, ये 20+ हाई क्वालिटी डोफॉलो बैकलिंक जनरेटर साइट लिस्ट 2009, ठीक है। इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। अगर आपको इस साइट में ये पोस्ट शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार ओपन करना है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर लिखना है 20+ हाई क्वालिटी, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। हाई क्वालिटी लिख के सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको ये पोस्ट ओपन होगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पोस्ट को ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको पोस्ट ये नहीं दिखे तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिख जाए तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 20 ऐसे साइट का नाम दिया है जिससे आप बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो पोस्ट का URL है उसको कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं, चलिए इसको सिलेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। आपको जो भी मन हो उसमें सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब इसका बैकलिंक कैसे बनाना है मैं आपको बता देना, ठीक है। चलिए मैं दूसरा पेज ओपन कर दे रहा है इसका। आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो पोस्ट का URL है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसका बैकलिंक बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको, इस URL को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे ही करना है, आपका साइट का URL नहीं डालना है, साइट का जो पोस्ट का URL है वो डालना है, ठीक है फ्रेंड। अब आपका क्या करना है, सिंपली ये जो वेबसाइट URL है इसमें आपको जो URL आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर URL को पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने URL पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप आपको क्या करना है, सिंपली ये जो क्रिएट बैकलिंक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे क्रिएट बैकलिंक के ऑप्शन पे, आपको सामने यहाँ पे बैकलिंक ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी अपने साइट में बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली अपना कोई भी पोस्ट का URL यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी कर दिया, ठीक है। और वापस आपको इस साइट में आना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट बैकलिंक लिंक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे बैकलिंक ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है। डोफॉलो, ठीक है फ्रेंड। मैं दूसरा आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरा पेज, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसका इस पर बैकलिंक बनाने का उपाय बता देना, इसमें कैसे बनाना, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो सारा 20 लिस्ट मैंने दिए हैं, 20 लिस्ट यहाँ पे, सेम ऐसा ही आपका करना है। URL आपका अपना जो पोस्ट का जो URL होगा उसको कॉपी करना है और इन सब साइट को ओपन करना है और पेस्ट करके देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए ये है ना बैकलिंकर, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा पोस्ट ओपन करके दे रहा हूँ, उसका मैं URL कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इसको मैं बैकलिंक बनाता हूँ, ठीक है।
ये देखिए मैं यहाँ मेरा पोस्ट ओपन होने वाला है, ठीक है। ये मैंने यूआरएल का कॉपी किया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अब वापस आपको इस साइट में आना है, ठीक है। यहाँ देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आपका यूआरएल लेना है, ठीक है, आपका जो भी यूआरएल होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया यूआरएल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक कीवर्ड दे दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सबमिट आता है, आप इसे बैकलिंक बना सकते हो। यहाँ मैंने ये कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन आता है, आप कितना बैकलिंक बनाना चाहते हैं, 10, 20, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट 2500 तक दिया है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 100 बैकलिंक ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको जितना मर्जी हो उतना बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा अगर आप ज़्यादा ये चूज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 100 ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये अब यहाँ आपको ये जो सबमिट नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे नीचे साइड में यहाँ पे बैकलिंक बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी अपने साइट में ये जो सारे साइट का लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे जो सारा साइट का लिस्ट है, इसे आप डोफॉलो बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, आपको सबको ओपन करना है ऐसा ही, किसी में साइट का यूआरएल और कीवर्ड मांगता है वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे बैकलिंक जेनरेट होने वाला है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चूज करेंगे 2500, 3000, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 100 ही क्रिएट किया था, ठीक है। कितना तक बना भी, देखिए 100 मैंने सेलेक्ट किया था, 100 तक यहाँ बन चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से आप भी अपने साइट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ये सारा फ्री है, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। इस सारे साइट को ओपन करके आप बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।